सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल द नेक्स्ट वर्ल्ड। कैसे आप सब? उम्मीद करती हूँ सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ और रेडी हो गई हूँ। ये देखिए, सुबह सुबह मैंने पहन ली है साड़ी, बिकॉज हम वापस आ गए हैं और सुबह हमारी ट्रेन 5 बजे मॉर्निंग में आ गई थी और अभी हो रहा है 10 बज रहा है अभी मॉर्निंग का। सब लोग ने रेस्ट कर लिया है, फिर मैं नहा धो के रेडी हो गई हूँ और साड़ी इसलिए पहना है, मुझे लगता है कि सारे हिंदुस्तानी पतियों को अपनी बीवी साड़ी में ही अच्छी लगती है। सो आज मैंने भी उनके लिए साड़ी पहन ली है। जब भी वो आते हैं तभी मैं साड़ी पहन लेती हूँ उनको खुश करने के लिए, क्योंकि उनको भी उनकी बीवी साड़ी में ही अच्छी लगती है। अभी जा रही हूँ, आफ्टर लंच हम लोग आ गए हैं पति देव के लिए चश्मा सिलेक्ट करने। सो यहाँ हम आए हैं लेंस कार्ड में और उनके लिए चश्मा देखने, पार वाला चश्मा, बहुत सारी वैरायटी है। सो देखते हैं उनको क्या पसंद आता है। और फिर नाशा कहाँ पीछे रह सकती हैं, ये भी सेलेक्ट करने लगी अपने लिए। एंड पतिदेव को कोई भी फ्रेम समझ में नहीं आ रहे हैं, वो मुझसे पूछ रहे हैं, अभी से पूछ रहे हैं। सो आप बताओ कौन सा अच्छा लग रहा है उनके ऊपर, देखिएगा बताइएगा। देन हम आ गए हैं क्लियर देखो के स्टोर में, जहाँ से मैंने अपने स्पेक्स बनवाए हैं। सो मैंने कहा वहां पे भी देख लीजिए, मे भी शायद आपको वहां पसंद आ जाए। सो अभी वो यहाँ पसंद कर रहे हैं और नशा के लिए भी हम एक फ्रेम सेलेक्ट कर रहे हैं। तो फाइनली यहाँ पे हस्बैंड को एक चश्मा पसंद आ गया है। एंड अभी है नेक्स्ट ईयर, मैं आ गई हूँ नायशा के स्कूल उसके बच्चों के लिए गिफ्ट्स बांटने। एंड अभी हो गया हमारा लंच टाइम। तो लंच में आज बहुत अच्छा सा मैंने सिंपल सा खाना बनाया है और आज मैंने बनाई है और रेडी हो गई हूँ। अभी लंच हो गया हमारा, आपने देखा अभी। सो लंच के बाद अभी हो रहा है, दोपहर के 2 बजे हुए हैं और ये देखिए मैं नेल्स करा के गई थी और ये वाला नेल्स में थोड़ी सी प्रॉब्लम आई थी तो मैंने उसको चेंज करा दिया है, एक ही सेम कलर करा लिया है। और अभी मैं जा रही हूँ इसको थोड़ा सा डेकोरेट कराने और बस। सो ये रहा मेरा आज का आउटफिट और देखिए, तो चलिए चलते हैं और मैं दिखाती हूँ आपको कि मैं नेल्स में अब क्या कराने जा रही हूँ। शाम को मेरी फ्रेंड के यहाँ एक रुद्राभिषेक है, सो उस पे भी जाना है। उससे पहले मुझे नेल्स करा के 2 रील्स के वीडियो भी शूट करने हैं। सो बहुत सारा काम है और अभी हो रहा है 2 बज रहा है, तो देखते हैं क्या क्या मैं कर पाती हूँ। फिलहाल चलते हैं शॉप पे एंड नेल्स कराते हैं। सो अभी मैं सिर्फ 1 फिंगर पे कराने वाली हूँ डिज़ाइन। सो ये स्टार्ट कर दिया है इसने और देखते हैं क्या होता है डिज़ाइन। तो करने के बाद मैं आपको दिखाती हूँ कि फाइनल लुक क्या आया है। वो मेरे नेल्स हो गए हैं और फाइनली ज़्यादा कुछ नहीं करवाया मैंने, ये देखिए ये कराया, स्टोन वर्क हो गया है। सो स्टोन लगा लिए हैं कुछ इस तरह से और ये मेरा नेल। सो अगर आपको मेरे नेल्स अच्छे लग रहे हैं तो आप मेरे शॉप पे सलोन में आके ये वर्क करा सकते हैं अपने हैंड में भी, ब्यूटीफुल सी नेल आर्ट। सो हे गाइस, और ये मैं पूजा के लिए बिल्कुल रेडी हो गई हूँ। मैंने वेयर की है इस तरह की साड़ी और ये देखिए। सो मैंने बताया था आपको कि मैं रुद्राभिषेक में जा रही हूँ तो मैं उसी के लिए रेडी हो गई हूँ। बाल मैंने टक कर लिए बिकॉज बहुत ज्यादा गर्मी है, बहुत गर्मी है इसलिए बाल मैंने टक कर लिए हैं और कुछ इस तरह से रेडी हो गई हूँ। बस निकलने जा रही हूँ ये देखिए। और जब भी तैयार होती हूँ तो इतनी सारी चीज़ें फैल जाती हैं। सो ये तो होना ही रहता है क्योंकि लास्ट मोमेंट तक साड़ी डिसाइड नहीं होती है कि क्या पहनना है। और मैंने ऐसे ऐसे मैचिंग करके चूड़ियाँ पहन ली है और ये रहा मेरा नेल आर्ट जो सुबह मैंने कराया है, ये देखिए। तो चलिए चलते हैं उसके घर। और आप मैंने एक फ्रेंड को पिक भी कर लिया है और अभी हम जा रहे हैं कुछ प्रसाद लेंगे, उसके बाद जाऊंगी फ्रेंड के यहाँ और अभी मुझे छोड़ने जा रहा है।
एंड फाइनली मैं मेरी फ्रेंड दूसरे वाले फ्रेंड के गृह प्रवेश एंड रुद्राभिषेक में पहुंच चुके हैं। अब यहाँ पूजा स्टार्ट भी हो गई है, सो आप देख सकते हो बहुत अच्छे लगते हैं इस टाइप के जो कार्यक्रम होते हैं। और ये सावन में रुद्राभिषेक में मैं शामिल हुई हूँ, तो सारे ऊपर प्रभु की कृपा है और आप पर भी प्रभु की कृपा बना रहे, इसलिए देखिए और इंजॉय करिए। और यहाँ भोले बाबा की मूरत बनना तैयार हो गई है, सो देखते हैं कौन से भोलेनाथ का अवतार यहाँ तैयार होता है। सो आप लोग भी बताइएगा कि किसकी तरह कौन से बाबा दिख रहे हैं यहाँ पे। सो अभी तो हम इंजॉय कर रहे हैं उनकी मूरत बनने का और क्या छवि निकल के आती है। फाइनली मूरत बनके तैयार हो गई है। आप सब कमेंट करिएगा कि ये कौन से बाबा है, कौन से भोले बाबा का स्वरूप है, जरूर करिएगा बाबा के नाम पे ही कमेंट कर। बाद मैं रेडी हो रही हूँ पार्टी में जाने के लिए, जिस फ्रेंड के यहाँ रुद्राभिषेक था उसी के यहाँ शाम को बर्थडे पार्टी है। सो यहाँ मैं जल्दी जल्दी दिखा रही हूँ कि मैंने अपना मेकअप कैसे किया है, और अगर आपको इस मेकअप के बारे में फुल वीडियो चाहिए तो वो आप कमेंट करिएगा, मैं फुल वीडियो भी इसका लगा दूंगी या डाल दूंगी नेक्स्ट वीडियो में। सो यहाँ देख सकते हो मैंने बहुत जल्दी जल्दी से मेकअप करा है एंड बहुत अच्छा मेकअप का लुक आया था, और पूरी डिटेल जानने के लिए आप कमेंट करिएगा। यहाँ मेरा मेकअप रेडी हो गया और ये देखिए ये रहा मेरा लुक एंड ये रहा ऑल ओवर लुक। सो यहाँ पहुँच कर हमने की खूब सारा डांस, खूब सारी मस्ती और बहुत अच्छा अच्छा खाने को भी मिला यहाँ, तो बहुत सारी चीज़ें हमने खाई, बहुत ज़्यादा अच्छा चाट का स्टॉल था। सो बहुत सारी चीज़ें खाई, सबका वीडियो नहीं बना पाई हूँ। और फाइनली केक कटिंग सेरेमनी हो रही है और हमने यहाँ खूब डांस खूब मस्ती करी, सारे फ्रेंड्स मिले। सो ये थी हमारी उस दिन की नाइट, बहुत मजा आई। सो ये रहा मेरा ऑल ओवर मेकअप और अभी मैं पार्टी से आ चुकी हूँ। पार्टी में अभी आया, पार्टी से आ। नेक्स्ट मॉर्निंग बज रहे हुए हैं शायद, और हम लोग निकले हैं बिकॉज कल 15 अगस्त है, अनायशा ने पार्टिसिपेट किया स्कूल में, तो मुझे उसके लिए वाइट कुर्ता लेना है और जो भी एसेसरीज उसकी मिल जाए। सो हम जा रहे हैं अभी मार्केट और देखते हैं क्या मिलता है उसके लिए। सो चलिए अभी हम आ गए हैं वी मार्ट में। सो सब घर के सबसे ज्यादा करीब यही मॉल है, सो हमने सोचा यहाँ शायद नाशा के लिए वाइट कुर्ता या कुर्ती कुछ भी मिल जाएगा जो कि उसे अपने स्कूल के एक फंक्शन में पहनना है। बट यहाँ पे वाइट कलर का कुछ भी नहीं था, आप देख रहे हो कुछ भी नहीं था, बट हाँ ऑफर बहुत अच्छे थे। सो 15th of August के ऑफर बहुत ज्यादा अच्छे थे, बट मुझे अभी कुछ भी लेना नहीं था, सो मैंने कुछ भी यहाँ से परचेज नहीं किया है। बट जिसको भी अगर शॉपिंग करनी है वो भी मार जा सकता है, काफी ढेर सारे ऑफर्स हैं। सो यहाँ मुझे कुछ भी नहीं मिला नायशा के लिए यूज का, सो चलिए चलते हैं लोकल मार्केट और वहां देखती हूँ उसके लिए वाइट कुर्ता, जो उसकी एसेसरीज मुझे लगा लेनी है वो शायद मिल जाए, तो चलिए देखते हैं लोकल मार्केट। सो अभी हम लोग ने पी है लस्सी, नायशा का मिल गया है सारा सामान, गाड़ी पे रखा हुआ है और अभी हम जा रहे घर। सो बहुत ज्यादा गर्मी धूप में प्यास लग रही थी, तो हम लोग ने पी, दोनों लोगों ने पी ली लस्सी, मैंने अपनी फ्रेश कर दी है, चल रही है।
एंड फाइनली हम घर आ गए हैं। घर पर आकर मैंने की शॉप को सजाने की तैयारी। सो यहाँ मैं ये 3 कलर्स के बलून्स ले आई जिससे डेकोरेट करने जा रही हूँ मैं अपनी शॉप को। सो मार्केट से आते ही मैंने अपनी शॉप को बिल्कुल डेकोरेट कर लिया है अच्छे से, एंड उस शाम को देखती हूँ मैं कैसे इसको लगाती हूँ। फिलहाल सारे बलून्स हम लोगों ने मिलके फुला लिए हैं और अभी है डेकोरेट करने की बारी है 15 अगस्त का सेलिब्रेट करके। और कैसा रहा आपका 15 अगस्त स्कूल में? और अपना ड्रेस तो दिखाओ 15 अगस्त वाला। सो ये रहा नायशा का 15 अगस्त वाला लुक। दिखा 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 ऐसे दिखा ऐसे। सो ये देख घूम के दिखा। वाव नायशु लुकिंग वेरी गुड। शाम को मम्मी पापा हम सब आ गए हैं चौपाटी। सो यस यहाँ पे भी एक चौपाटी, बहुत अच्छा सा ओपन रेस्टोरेंट खुला हुआ है। और आज यहाँ 15 अगस्त के उपलक्ष्य में ओपन सिंगिंग होने जा रही है। सो हम वेट करने लगे उसको देख के। और यहाँ हमने खाया डिलीशियस से मोमोज, पापा भी हैं कुछ ना कुछ ट्राई कर रहे हैं। सो काफ़ी सारी चीज़ें हमने इंजॉय करी और साथ साथ लाइव म्यूजिक भी इंजॉय किया। तो यहाँ आकर तो मेरी शाम बन गई, मुझे मिली मेरी फेवरेट कॉफी एंड लाइव म्यूजिक, तो मजा ही आ गया। ये रहा हमारा आज का डिनर, 15 अगस्त का इंडिपेंडेंस डे का डिनर। सो ये देखिए मटर पनीर, राइस, रोटी, सिंपल सा खाना बट बहुत टेस्टी लगता है। अभी हम करने जा रहे हैं डिनर और नाशा का फेवरेट डिनर बना है आज मटर पनीर राइस रोटी। सो चलिए डिनर करते हैं फिर आपसे मिलते हैं।